नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं शांतिनाथ झा कक्षा दसम वर्ग के छात्रों को प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम से संबंधित बातें बताने को मैं जा रहा हूँ। सूची पर्यावरणम शब्द का अर्थ होता है मेरा पर्यावरण पवित्र हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो। प्यारे बच्चों, पहले मैं पाठ परिचय बता रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा के लसत लतिका नामक रचना संग्रह से संकलित है। इस पाठ में कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र यानी लोहे का चक्का तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्जल, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से सुसज्जित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा प्रकट करता है। कवि मानव मात्र के स्वस्थ जीवन की कामना करता है। यह प्रदूषित वातावरण में जीते जी मरने की इच्छा नहीं कर रहा है। प्यारे छात्रों, अब मैं आप लोगों को इस श्लोक को पढ़ते हुए उसका शब्दार्थ, उसके बाद में हिंदी व्याख्या करूंगा। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति ही एव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगरमे चलत अरिशम कालायस चक्रम मन शोषय तनु पेशय भ्रमति सदा वक्रम दुर्दात दशन अमुना सैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरण। शब्दार्थ, दुर्वहन शब्द का अर्थ कठिन होता है। जीवितम शब्द का अर्थ जीवन, ज्ञातम शब्द का अर्थ हो गया, शरणम शब्द का अर्थ सहारा, अनिशम शब्द का अर्थ दिन रात, कालायस चक्रम शब्द का अर्थ लोहे का पहिया, सोसयत शब्द का अर्थ सुखाते हुए, तनु शरीर, पेशयत पीसते हुए, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांतैः भयानकों के द्वारा, दशनैः दांतों से, अमुना इससे, जनग्रसनम लोगों का विनाश स्यात् हो। अब मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूं। यहां महानगरों में जीवन कठिन हो गया है। अब तो प्रकृति तथा स्वच्छ पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। महानगर में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र यानी पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदैव कुटिलता से घूम रहा है। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। प्यारे बच्चों, अब मैं दूसरे श्लोकों को पढ़ने जा रहा हूं। कज्जर मलिनम धूमम मुंचति सत सकटीयानम वाष्प यानमाला संभावती वितरंती ध्वान्तम यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनं संशरणं शुचि पर्यावरणम। शब्दार्थ, कज्जल मलिनम कागल जैसा काला, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ता है, सत सकती यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्प यानमाला रेलगाड़ी की पंक्ति, वितरंती छोड़ती हुई, ध्वानम आवाज, संसरणम चलना व्याख्या। सैकड़ों मोटर कारें कागल जैसा गंदा धुआं उगड़ रही, रेलगाड़ी धुआं छोड़ती हुई दौड़ती, वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, अतः चलना भी कठिन है। श्लोक नंबर 3। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम कुच्छित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समरम धरातलम करणीयम भरि अंतर जगत तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरण। शब्दार्थ, भृशम अत्यधिक, निर्मलम स्वच्छ, कुत्सित वस्तु मिलावटी पदार्थ, भक्ष्यम खाद्य पदार्थ,
समलम मल सहित बहु अत्यधिक व्याख्या। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरे पदार्थों की मिलावट है, धरती कूड़े से गंदी हो गई है, संसार में आंतरिक तथा वाद्य शुद्धि करनी चाहिए। श्लोक संख्या 4। कंचित कालम नयमान असमान नगरा बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते गिरिधर नदी पयः पूरम एकांतिकांतारे क्षणमपि मे स्यात् संकरणम सुति पर्यावरणम। शब्दार्थ नय ले चलो ग्रामान्ते गांव की सीमा पर, पयः पूरम जल से भरा काला, कांतारे जंगल में, संकरणम भ्रमण व्याख्या। मुझे कुछ समय के लिए नगर से दूर ले चलो, गांव की सीमा पर झरने नदी तथा जलाशय देखना चाहता हूँ, एकांत वन में कुछ समय के लिए मेरा भ्रमण हो जाए। श्लोक संख्या 5। हरित करुणाम ललित लकाराम माला रमणीया कुसुमावरी समीर तारिता श्याम्य वर्णीया नव मालिका रसालं मिलित्वा रुचिरं संगमनं सुखि पर्यावरणम्। शब्दार्थ हरित करुणाम हरे वृक्षों का, ललित लता नाम सुंदर लताओं के, रमणीया मन को हरने वाली, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, समीर चालिता हवा से चराई हुई, नव मालिका चमेली, रसालम आम, रुचिरम मनोहर व्याख्या। हरे भरे वृक्षों की, हरी भरी लताओं की सुंदर माला तथा हवा द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए स्वीकार्य है। आम के वृक्ष से लगी चमेली का सुंदर समागम। श्लोक संख्या 6। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाचित्य दानम लोकुरिजा जीवित रस हरणम। शब्दार्थ ऐ शब्द का अर्थ भो होता है, भो मीन्स संबंध सूचक संबोधन शब्द है। शब्दार्थ खगकुल कलरव पक्षी समूह की ध्वनि, गुंजितम गुंजायमान, पुरा कलरव नगरीय शोरगुल, चाचित्य दालम चकाचौंध भरी दुनिया, नो नहीं जीवित रस हरणम जीते जी सुख का नाश व्याख्या। हे बंधु पक्षियों के समूह के मधुर कलरव से गुंजायमान प्रदेश में चलो, नगर के शोरगुल से व्याकुल लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो, चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के रस सुख का विनाश न करे। श्लोक संख्या 7। प्रस्तर तले लता तरु गुणमा नो भवन्तु पुष्टा पाषाणी सभ्यतां सर्गे स्यात् नो समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं सुचि पर्यावरणम्। शब्दार्थ प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, लता तरु गुणमा लता पेर नो धारियां, पिष्टा पिसे हुए, पाषाणी पथरीली, निसर्गे प्रकृति में, काम ये कामना करता हूँ जीवन जीते हुए व्याख्या। लताएं वृक्ष तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पिसे, प्रकृति में पथरीली सभ्यता न समा जाए, मानव के जीवन की कामना करता हूँ जीवित रहते हुए मौत चाहता हूँ। अब मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को संधि विच्छेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रकृति रेव प्रकृति ही जोर एव, पर्यावरणम परिजोर आवरणम, दुर्दांतैर दसनैर अमुना दुहदोर दांतैह दसनैह जोर अमुना स्यान नैव स्यात् जोर न जोर एव, समधावति समजोर धावति, पंकजो ह्यनंता पंकजः जोर ही जोर अनंता, निर्मलम निहजोर मलम बहिरंतर जगति बहिर जोर अंतः जोर जगति, कंचित कमजोर चित असमान नगरात बहुदूरम असमान जोर नगरात जोर बहुदूरम, ग्रामांते ग्राम जोर अंते एकांते एक जोर अंते, संचरणम समजोर चरणम,
कुसुमावली कुसुम जोर आवली श्यान में श्याति जोर में संभ्रमित जनेभ्यो धृत समजोर भ्रमित जनेभ्य जोर धृत कुरिता जीवित कुरिता जो जीवित श्याम न श्याति जोर न नो नो जोर। प्यारे बच्चों प्रथम पाठ मैं श्लोकों की व्याख्या एवं शब्दार्थ के साथ संधि का अध्ययन मेरे द्वारा किया गया। हमें पूरी आशा है कि आप लोगों को इस पढ़ाई में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। बाद में सिर्फ जब हमसे मेरी मुलाकात होगी जहाँ जो संदेह रहेगा उसका निराकरण मैं पूरी दक्षता के साथ करूँगा। धन्यवाद।